किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने जो कानून पिछले जून महीने में ऑर्डिनेंस जारी करके बनाए, उसके खिलाफ सारे देश में अब आंदोलन खड़ा हो गया है। और आंदोलन जब अपनी शिखर पे पहुंचा तो आपने देखा होगा कि कैसे सरकार ने अपने हथकंडे इस्तेमाल करके इस आंदोलन को तोड़ने का हर यत्न ही नहीं किया और इसको एक गहरी चोट पहुंचाई। ये बात आपके समझने की है कि हमारे लिए एक बैरिकेड लगाया गया जहां से आगे हम नहीं जा सकते थे, लेकिन सरकार हमसे 17 दिन बाद 13 दिसंबर को कुछ लोगों को दिल्ली की तरफ से लाके उन्हें बैठा दिया। उनको कोई बैरिकेड उनके सामने नहीं लगाया गया और उन लोगों के साथ ही ये सारी साजिश रची गई। और एक लखा से दाना बीजेपी का आरएसएस का खास आदमी है और एक सॉरी लखा से दाना नहीं दीप सिद्धू आरएसएस का खास आदमी है और एक लखा से दाना उसके साथ मिला हुआ है। उन्होंने पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नाम पे जो एक जथेबंदी बनी हुई है उन लोगों से सांठ गांठ करके इस सारे आंदोलन को गहरी चोट पहुंचाई है। हमने 25 तारीख को उस किसान संघर्ष कमेटी के अगुआ सरवण सिंह पंधेर से लंबी मुलाकात करके उनसे बार बार प्रार्थना की कि इस आंदोलन को बचाओ, सारे इकट्ठे होकर लड़े, लेकिन वो नहीं माने। और रात को 10 बजे पुलिस के उच्च अधिकारी उनसे बात करके जाते हैं और सुबह उनको हमारे से पहले ही लाल किला की तरफ तोड़ देते हैं। जब हम अपने रूट पे चले तो हमारे लिए पुलिस सामने खड़ी होके रूट एक तरह से बंद कर दिया। हमारे बार बार कहने के बावजूद वो कहते रहे कि सीधे चले जाओ, लाल किले की तरफ पुलिस खुद भेजती रही। हर नाके पे यही हुआ और पुलिस सरकार एक्सपोज हुई। जिस तरह से लाल किले पे झंडा फहराया गया, इतना लंबा समय पता नहीं पुलिस कहाँ थी। और पता नहीं आज जो बदनाम कर रहे हैं संघर्ष को, वो लोग कहाँ थे, कौन से लोग थे जिनसे उन्होंने ये झंडा फहराया और नेशनल फ्लैग की बेइज्जती की गई। हमें इसका बहुत खेद है। हमने हालांकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत हमने की थी, इसलिए कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके लिए भी अपनी इखलाकी जिम्मेवारी समझते हुए माफ़ी मांगी देशवासियों से कि अगर किसी ने भी इस आंदोलन का नाम लेके नेशनल फ्लैग की बेअदबी की है तो हम उसके लिए हमें खेद है। तो इसके अलावा तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। किसान आंदोलन किसानों का है और किसानों के भविष्य की बात है और इसमें कुछ स्पीचेस हमारी उसमें एक एक लाइन उठा के हरियाणा में हमारे भाइयों को भड़काया जा रहा है। मेरा कतई इसमें कोई ऐसी मंशा नहीं थी, क्योंकि मैंने 1978 से हरियाणा में यूनियन खड़ी करने के लिए सबसे पहले रिसालदार बलबीर सिंह, मास्टर केरी सिंह, मांगेराम मलक जैसे जो किसान लीडर्स थे जो अब दुनिया में नहीं है, उनके साथ मैंने काम किया और हरियाणा में किसान संगठन खड़ा किया। और ये कैसे हो सकता है कि मैं हरियाणा के अपने ही भाइयों के खिलाफ कोई बात कहूँ? मेरा ऐसा कोई कतई मंशा नहीं। हाँ, कई बार अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ कहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके खिलाफ हैं या हरियाणवी भाइयों के खिलाफ हैं। मैं फिर भी अगर किसी भाई को इससे दुख हुआ, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन मैं एक अपील करता हूँ। ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये इससे हमारी भविष्य की किस्मत जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी निवेदन है, ये बातें सब भुला के अगर आपको कष्ट हुआ उसकी क्षमा करके सभी दोबारा फिर इस आंदोलन में उसी जोशो खरोश से शामिल हों जैसे पहले हरियाणा और पंजाब दोनों भाई इकट्ठे अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे थे। यूपी वाले अपनी जगह बैठे थे, उत्तराखंड के लोग बैठे थे, मध्य प्रदेश के लोग बैठे थे, महाराष्ट्र के लोग बैठे थे, सभी देश के अलग अलग राज्यों से लोग बैठे थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा की संख्या सबसे ज़्यादा सी और ये पंजाब और हरियाणा ही ये इस आंदोलन के साथ देश की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन सरकार
अपने षड्यंत्र में कामयाब हुई। वो एक गहरी चोट पहुंचाई गई। हम सभी इस घाव से अभी तक जख्मी हैं और इसी दशा में कई बार कई बातें मुंह से निकल जाती हैं। मैं समझता हूं मेरे सारे भाई हैं हरियाणा वाले, वो मेरी इस बात को समझते हुए, मेरी इस स्थिति को समझते हुए दोबारा इस आंदोलन में गांव-गांव में प्रचार करके लोगों को इसमें और तेजी से, पहले से भी ज्यादा जोर से इसमें शमूलियत करें ताकि सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब ना हो सके। और अभी हमने 26 जनवरी के बाद एक पश्चाताप भी किया। आज हम सद्भावना यात्रा निकालने वाले हैं तिरंगे की के सत्कार के लिए सभी मिलके सिंगू बॉर्डर पे, और इसी तरह अगला प्रोग्राम 30 जनवरी को गांधी जी का के शहीदी दिन पे एक दिन का सारी लीडरशिप अनशन करेगी। और पहली जनवरी का प्रोग्राम फिलहाल इसीलिए क्योंकि कन्फ्रंटेशन का माहौल सरकार बना रही है इसीलिए हमने पोस्टपोन कर दिया है। तो मेरी सभी भाइयों से निवेदन है, मेरी इस बात को गंभीरता से लें। आंदोलन बहुत बड़ा है, आंदोलन आपके भविष्य का, आपके बच्चों का, आपके परिवारों का, उन सब के लिए है और उनके उनके भविष्य को तय करेगा। इसलिए ये छोटी बातें, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ आंदोलन के मुकाबले, अगर किसी को दुख हुआ है तो मेरी बातों से नाराज होके आंदोलन को मत बिगाड़ें, आंदोलन को उसी स्तर पर फिर लेके आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई मेरी इस बात को जरूर मानेंगे। धन्यवाद।